गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर चैनल स्टूडेंट. आज मैं लेके आई हूँ इंग्लिश का चैप्टर 6, जो कि चैप्टर नेम है द आर्टिस्ट. आई होप कि ये चैप्टर आपने बहुत अच्छे से पढ़ी होगी और आज मैं इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाली हूँ. तो बच्चों, प्लीज़ मेरे साथ बने रहो और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना. चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पे. शिबी वॉज पर्सनेटली इंटरेस्टेड इन, कह रहा है कि जो शिबी है वो उसका पैशन किस में ज़्यादातर वो रुचि रखती थी. ऑप्शन ए है बास्केट, बी है कैरेट, सी है गॉड्स और डी है पोटैटो. सो हमारा करेक्ट आंसर है सी. सी इज आवर करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं. शिबी वुड एग्जामिन दी डॉट 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 एज अ सून एज ही गॉट अप. जो शिबी है वो एग्जाम दी डॉट 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 एज सून ही गॉट अप. ऑप्शन ए है गाउट्स, ऑप्शन ई है ग्राउंड्स, बी है पेंटिंग, सी है बुक और डी है फूड. सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा गार्ड्स. क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं. द टाइप ऑफ गार्ड दैट अपीयर टू शिबी वाज, कह रहा है कि टाइप ऑफ गार्ड जो होता है कि शिबी के लिए किस टाइप की अपीयर होता था. ऑप्शन ए है अनपॉलिश्ड, बी है पिकुलियर, सी है इवन एंड सिमेट्रिकल, डी है ओल्ड एंड गेनल्ड. सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, इवन एंड सिमेट्रिकल. क्योंकि जब हम लोग लौकी को काटते हैं बीच में तो वो दोनों तरफ आप देखते हो ना कि इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है. क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं. द टीचर हु कॉज्ड शिबी डूइंग विथ गार्ड्स इन द क्लास, कह रहा है कि जो टीचर हैं वो क्या करते हुए शिबी को पकड़े कि वो गार्ड पे क्या कर रहा था क्लासरूम में. ऑप्शन ए है अप्रिसिएट हिम, बी है डिप्रिसिएट हिम, सी है अवॉर्डेड हिम और डी है पनिश्ड हिम. सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी. क्योंकि जब कभी भी अगर हम लोग क्लास में कुछ पढ़ाई की सेवा करते हैं तो हमें टीचर पनिश्ड ही करता है. तो ऐसे ही शिबी के साथ भी हुआ. शिबी क्लास में पढ़ाई ना करके वो गार्ड पे बहुत सारी मतलब आर्टिस्ट वाली टाइपिंग करती थी, तो इसलिए जब टीचर उनसे देखा कि ये पढ़ाई नहीं कर रहा तो वो उसे पनिश किए. क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं. द टीचर मैड कंप्लेन अगेंस्ट शिबी टू हिज, कह रहा है कि जो टीचर उसे पकड़े थे क्लास में पढ़ाई करता ना हुआ देख के, तो वो किससे कंप्लेन किए. ऑप्शन ए है फादर, बी है मदर, सी है अंकल, डी है ब्रदर. सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी. बी इज आवर मदर. मदर से उसने कंप्लेन किया टीचर ने. क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं. द आर्टिस्ट इज, कह रहा है जो चैप्टर नेम है द आर्टिस्ट इज वो क्या है. ऑप्शन ए है अ शॉर्ट स्टोरी, बी है अ आर्टिकल, सी है अ पीरियोडिकल और डी है नॉन ऑफ दिस. सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, अ शॉर्ट स्टोरी. क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं. हु हैज रिटन द स्टोरी द आर्टिस्ट, चैप्टर नेम दिया है और आपसे पूछ रहा है कि ये इसके राइटर कौन है. ऑप्शन ए है पी एस बर्ग, बी है एम गांधी, सी है एस नोयो और डी है नॉन ऑफ दिस. सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी. सी इज आवर करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं. शिगा नोरियो वाज बॉर्न इन, शिगा नोरियो है जो राइटर है वो कब जन्म लिए थे. ऑप्शन ए है 1873, बी है 1853, सी है 1883 और डी है 1893. सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 1883. क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं. शिगा नोरियो डाई इन, कह रहा है जो राइटर है शिगा नोरियो वो कब मरे थे. ऑप्शन ए है 1961, बी है 1971, सी है 1981 और डी है 1941. सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 1971. आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे. फैंसी अ लैड स्पेंडिंग हिज टाइम प्लेइंग अ ग्राउंड लाइक दैट विद अ ग्रॉड्स इज फ्रॉम, कह रहा है कि ये लाइन आपको बुक में से दिया है और पूछ रहा है कि ये कौन से चैप्टर से है. ऑप्शन ए है द आर्टिस्ट, बी है अ मैरिज प्रपोजल, सी है अ चाइल्ड इज बॉर्न और डी है द आर्टिस्ट. सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, द आर्टिस्ट. क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं. शिवी वास, कह रहा है कि शिवी वास क्या है.
जो कैरेक्टर है हमारे चैप्टर के शिवी, वो क्या है? ऑप्शन ए है एन आर्टिस्ट, बी है अ म्यूजिशियन, सी है अ सिंगर और डी है नॉन ऑफ दी। सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, एन आर्टिस्ट। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। शिवीज पेरेंट्स न्यू डैट ही ऑफन बॉट हिमसेल्फ। कह रहा है कि सीवी के जो पेरेंट्स हैं वो जानते थे कि वो खुद से, सीवी जो है खुद से क्या खरीद के लाया है। ऑप्शन ए है एप्पल, बी है ऑरेंज, सी है गार्ड्स, डी है गुआवा। सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा गार्ड्स इज आवर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। शिवी लिव्ड इन, कह रहा है कि जो सीवी है वो कहाँ रहता था। ऑप्शन ए है विलेज, बी है टाउन, सी है सिटी और डी है हर्बर टावर। सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, हर्बर टावर। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। वन कूड वॉक फ्रॉम वन एंड ऑफ द टाउन टू अनदर इज, कह रहा है कि हु कूड वॉक फ्रॉम वन इंड टू द टावर टू अनदर। कह रहा कि कौन है जो एक टावर से दूसरे टावर तक जाता था। ऑप्शन ए है 10 मिनट, बी है 20 मिनट, सी है हाफ एन आवर और डी है 4 आवर। सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, कि जो एक टावर से दूसरे टावर पे जो जाता था उसकी बीच की टाइमिंग क्या होती थी। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। शिवी न्यू एवरी प्लेस डैट सोल्ड, कह रहा है कि सीवी जो है वो जानता था कि एवरी प्लेस मतलब चारों तरफ के स्थान बिक चुके हैं। ऑप्शन ए है फिश, बी है मीट, सी है गार्ड्स और डी है वेजिटेबल। सो हमारा करेक्ट आंसर है गार्ड। 16 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, वन डे सीवी फाउंड अ पेकुलियर गार्ड एट द शॉप ऑफ एन ओल्ड वुमेन विच कॉस्ट इज। कह रहा है कि एक दिन सीवी जो है एक पेक्यूलियर मतलब स्पेशल होता है, स्पेशल टाइप की लॉकी जो है वो उसने एक शॉप से खरीदा जो कि एक बुजुर्ग महिला बेच रही थी। कह रहा है उसका प्राइस क्या था। ऑप्शन ए है 5 सेंट, बी है 10 सेंट, सी है 2 सेंट, डी है नॉन ऑफ दिस। सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 10 सेंट। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। ही यूज टू बोर अ नीट होल इन द, कह रहा है कि ही वो लॉकी जो है उसमें होल करने के लिए किस चीज़ का यूज करता था। ऑप्शन ए है साइड ऑफ द गार्ड, बी है टॉप ऑफ द गार्ड, सी है बोथ ऑफ द साइड एंड डी है नॉन ऑफ दिस। सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, टॉप ऑफ द गार्ड, पहले ऊपर की ओर से करता था। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। ही मेड द होल टू एक्स्ट्रा, कह रहा है कि जो लॉकी है उस पर एक और होल करता था एक्स्ट्रा, किस लिए। ऑप्शन ए वाटर, बी है फ्लैश, सी है सी, डी है नॉन ऑफ दिस। सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, फ्लैश के लिए। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। व्हेन एवर सीवी पास फ्रॉम थ्रू द मार्केट ही सर्चेस फॉर, कह रहा है कि जब भी सीवी है मार्केट जाता था वो किस चीज़ के लिए सर्च करता था। ऑप्शन है फ्रेंड, बी है फेवरेट फ्लावर, सी है गार्ड्स, डी है नॉन ऑफ दिस। सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा गार्ड, क्योंकि वो हमेशा देखता था कि गार्ड कहाँ मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। शिगा नोरो हैज़ अ रिटन द स्टोरी, फिर से ये क्वेश्चन रिपीट हुआ इसलिए मैं आपको बार बार कह रही हूँ, ये चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ना कि एक ही बार में आपका सारा एमसीक्यू बन जाए। ऑप्शन ए है द आर्टिस्ट, बी है अ पिंच ऑफ स्नफ, सी है द आर्टिस्ट, डी है नॉन ऑफ दी। सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, द आर्टिस्ट। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। सीवी वाज अ 12-year-old डॉट करके बॉयज, कह रहा है कि जो सीवी है वो किस टाइप कहाँ का रहने वाला बॉयज था। ऑप्शन ए है चाइनीज, बी है जापानीज, सी है अफ्रीका, डी है नॉन इंडियन। सो हमारा करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, जापानीज था वो। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। शिवी वाज अ डॉट जापानीज बॉय, कह रहा है कि सीवी एक जापानीज बॉय था लेकिन कितने साल ओल्ड था। ऑप्शन ए है 9-year-old, बी है 10-year-old, सी है 11-year-old, डी है 12-year-old। सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, 12-year-old।
क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। शिवी हॉबी वाज अ कलेक्टिंग ऑफ, कह रहा है कि शिवी का जो हॉबी था, रुचि था, वो क्या कलेक्ट करने में था। ऑप्शन ए है स्टैम्प, बी है बुक, सी है गार्ड, डी है नॉन ऑफ दिस। सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, गार्ड। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। शिवी वाज फैसिनेटेड इंटरेस्टेड इन, कह रहा है कि जो शिवी का पैशन था वो किस में था। ऑप्शन ए है पंपकिन, बी है गार्ड, सी है पोटैटो, डी है नॉन ऑफ दिस। सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, गार्ड में था। 25 का शिवा नॉरियो इज अ डॉक्टर के राइटर। ऑप्शन ए है चाइनीज, बी है इंडियन, सी है अमेरिकन, डी है जापानीज। सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा जापानीज। क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। वन डे शिवी वॉज कॉट रेड हैंडेड बाई हिज अ डॉट टीचर, कह रहा है कि एक समय शिवी पकड़ा गया रंगों हाथे, कहा जाता है ना, अपने टीचर से। ऑप्शन ए हिंदी टीचर थे, बी है मैथ टीचर थे, सी है एथनिक टीचर थे, और डी है हिंदी टीचर थे। सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, एथनिक टीचर थे। क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। शिवी बॉट अ डॉट इन इंच ग्राउंड गार्ड फ्रॉम एन ओल्ड वुमेन्स, कह रहा है कि जो शिवी है वो कितना इंच का बड़ा खरीदा था फ्रॉम ओल्ड वुमेन से। ऑप्शन ए है 4, बी है 5, सी है 6, डी है 7। सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी इज आवर करेक्ट आंसर 5। क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। द टीचर बिकम वेरी वेरी डॉट विथ अ सीवी फॉर्म नेगलेटिंग हिज स्टडी, और कह रहा है कि जो टीचर थे रंगों हाथ, जब उसे पकड़े कि वो पढ़ाई नहीं करके आर्टिस्ट कर रहा है, तो वो बहुत गुस्सा थे सीवी से। वो नेगलेटिंग मतलब नज़रअंदाज करने लायक नहीं था। ऑप्शन है बी है सी सैड, सी है एंग्री, डी है फ्रेंडली। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, बहुत ही गुस्सा थे, बहुत ज़्यादा गुस्सा थे। क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। शिवी रीड एट डॉट स्कूल। ऑप्शन ए हाई, बी है प्राइमरी, सी है मिडिल, डी है नॉन ऑफ दी। सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था, अभी 12 साल का ही था। क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। शिवी गॉट गार्ड फ्रॉम अ फ्यू। ऑप्शन ए है एप्पल, बी है टाका, सी है सैन, डी है नॉन ऑफ दिस। सैन चलता है जापान में, तो आप याद रखना सैन हो जाएगा, सी इज आवर करेक्ट आंसर। 21 पे चलते हैं। द नेक्स्ट डे द टीचर गैव सीवीज कन्फिस्टेटेड गार्ड टू एन ओल्ड पोर्टर हु वर्क इन द स्कूल इज टेकन फ्रॉम। ऑफकोर्स द आर्टिस्ट से ही लिया गया, जब नेम दे दिया गया तो आपको ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं पढ़ लेती हूँ आपके लिए। ऑप्शन ए है अ चाइल्ड इज बर्न, बी है द आर्टिस्ट, सी है भारतीय माई होम, डी है अ पिंच ऑफ स्नफ। सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, बी द आर्टिस्ट। क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। अ प्राइस ऑफ द 5 इंच ग्राउंड इज, कह रहा है कि गार्ड का जो 5 इंच का गार्ड था उसका प्राइस क्या था। ऑप्शन ए है 7, बी है 9, सी है 10, डी है 11। सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 10 था उसका प्राइस। क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। शिवीज फादर वर्क एट डॉट शॉप, कह रहा है कि शिवी के जो पापा थे वो किस दुकान में काम करते थे। ऑप्शन ए है कारपेंटर, बी है बाबर्स, सी है गोल्ड स्मिथ, डी है नॉन ऑफ दी। सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, कारपेंटर के शॉप में काम करते थे। क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं। डॉट वाज सेलिंग ड्राइड परमिनर्स एंड ऑरेंज। ऑप्शन ए है एन ओल्ड मैन, बी है एन ओल्ड वुमेन, सी है अ गर्ल्स, डी है अ बॉय। सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, अ ओल्ड वुमेन्स। क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं। अ पोर्टर सोल्ड द गार्ड ऑफ सीवी इज, कह रहा है जो पोर्टर है वो गार्ड का कितना में सोल्ड करता था। ऑप्शन ए है 10, 40 ईयर, वो कितना ईयर्स का था, 50 ईयर्स, 6 ईयर, 60, डी है 60। सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 50। 36 पे चलते हैं। इज अ शॉर्ट स्टोरी। ऑप्शन ए अ मैरिज प्रपोजल, बी है आइडिया डेट हैव हेल्प मैनकाइंड, सी है इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आइज, डी है द आर्टिस्ट। सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, द आर्टिस्ट। 37 पे चलते हैं। शिवी इज अ हॉबी ऑफ अ कलेक्टिंग गार्ड मैड हिज टीचर। ऑप्शन ए प्लीज, बी है डिस प्लीज, सी है लॉ, डी है नॉन ऑफ दी। सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी,
displeased. 38 पे चलते हैं. शिवी इज अ पेरेंट्स न्यू डैट ही ऑफन वेंट आउट टू बाई हिमसेल्फ. ऑप्शन ये ऑरेंज, बी है एप्पल, सी है गार्ड, डी है पोटैटो. सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि उसके पापा जानते थे कि वो खुद से जब गया है तो वो जरूर गार्ड ही खरीदने गया होगा. प्लीज़ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, आप इसे बहुत अच्छे से कर लेना. इसके पहले मैं कंप्लीट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर 5 तक ऑलरेडी मेरी वीडियोस हैं. प्लीज़ मेरे चैनल पर विजिट करना और मेरी वीडियो पे एक लाइक करना, कमेंट भी करना, क्योंकि अगर तुम्हें और अच्छे अच्छे इसके चैप्टर के एमसीक्यू चाहिए तो प्लीज़ करना. और रेगुलर बेसिस पे मेरी वीडियोस देखना, क्योंकि अगर तुमने ये मिस किया तो आई होप तुमने एक गोल्डन चांस मिस किया, क्योंकि इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने करा रखा है. प्लीज़ स्टूडेंट सपोर्ट मी. थैंक यू सो मच.